अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल देसी ब्रुकलिन लाइफ। और आज हम आए हैं दियानत सेंटर ऑफ अमेरिका के अंदर, DCA इसको कहते हैं। ये मैरीलैंड के अंदर है, टर्किश एक मस्जिद और सेंटर। ये देखें इधर क्या क्या है। मॉस्क है, कल्चरल सेंटर है, गेस्ट हाउस है, टर्किश बाथ एंड स्पोर्ट्स सेंटर, टर्किश हाउसेस। ये सामने जो है ये कैफ़े है। तो अभी हम इधर आए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। जुम्मे का दिन है आज, तो हम जो है मस्जिद में जुमा पढ़ेंगे। अभी आपको और भी दिखाते हैं आगे जाके, ये कितनी प्यारी मस्जिद है अंदर से भी। और ये कैफ़े है इधर, यहाँ से आपने रुक के कॉफ़ी टी खाना भी आई थिंक मिलता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। टर्किश डिज़ाइन तो उन्होंने बनाई हुई है पूरी, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और वो वेलकम सेंटर टाइप जगह हैं वहाँ पर, ये सब बहुत बड़ा सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने। हम पीछे से वॉक करते आ रहे थे, तो वो पीछे भी जो कोना है उस पर भी उन्होंने कोई बिल्डिंग प्यारी सी बनाई हुई है। आई टर्किश आर्किटेक्चर सारा दिखाने की कोशिश की है इधर, अमेरिका के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। मैरीलैंड में वाशिंगटन DC से थोड़ा सा दूर है, बिल्कुल करीब है, बल्कि वाशिंगटन DC से करीब तरीन शहर मेरा हाल है DC ही लगेगा इसको। ये सामने तो मस्जिद है, और वो टर्किश झंडा और दूसरे झंडे भी वहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखें। और ये दरमियान में आपने नोटिस किया या नहीं है, यहाँ पे ये फाउंटेन भी है। तो अगर हम इसके ऊपर जाएँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मुझे डर है थोड़ा स्लिपरी ना हो। कितना खूबसूरत लग रहा है फाउंटेन इन्होंने जो बनाया हुआ है। और फिर फाउंटेन के सामने से आके जाना, मस्जिद भी दिखाते हैं। ये सामने मस्जिद आ गई है, इधर से आप सीधा मस्जिद में जा सकते हैं। ये आके दिखाते हैं मस्जिद। ये दरवाज़ा भी देखिए लकड़ी का बना हुआ है, कितना प्यारा डिज़ाइन है उसके ऊपर भी। और ये अंदर आ गए हम, ये सामने आपको वो गुंबद, और ये ऊपर डोम के आगे ये गुंबद, और नीचे वो सामने मस्जिद है। और ये दरमियान में उन्होंने, ये फंक्शनल नहीं होता, लेकिन ये पुराना टर्किश आर्किटेक्चर जो है, इधर बैठ के वज़ू करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये काम नहीं करते। तो ये देखें, ये मीनार, और ये इधर नीचे आते हैं तो ये तभी मीनार सेंटर में, ये नीचे उन्होंने वहाँ पे रेस्ट रूम्स वगैरह नीचे बनाए हुए, गिफ्ट शॉप भी है, वज़ू करने की अच्छी जगह है। नीचे बेसमेंट में पार्किंग भी है इधर, तो आप आएँ तो आपको पार्किंग की भी कोई मस्जिद नहीं मुश्किल नहीं होगी। अभी मैं मस्जिद अंदर से भी दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा, अगर मैं जूते उतार लूँ, और फिर जुमा है आज 12:30 बजे तकरीबन, हम 1.5 घंटे पहले आ गए हैं कि ये रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो अभी हम इधर जाके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये अभी हम मस्जिद के अंदर आए हैं, ये देखें जी कितनी प्यारी मस्जिद है। ये सेंटर में इसके डोम है, सामने वो जहाँ पे इमाम होता है, एक खुतबा देने वाला साइड पे है। ये जो ओटोमन डिज़ाइन है ये वही फॉलो करते हैं। ये काफ़ी मस्जिद के अंदर इस तरह का डिज़ाइन होता है, जो टर्किश डिज़ाइन हुई होती है ना। टर्की में भी मैंने सुना है ऐसी होती हैं, खैर कभी विज़िट नहीं किया। टर्की में भी मस्जिद ऐसे बनाते हैं। तो पीछे वाले एरिया में अगर ये भी साइड है, तो ये पीछे वाला एरिया जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ख़वातीन होती हैं, ये जो ऊंचा एरिया, और ऊपर वाली साइड पे भी ख़वातीन के लिए जगह बनी हुई है कि वो नमाज़ पढ़ सकें। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ना जहाँ से, तो यहाँ पे ख़वातीन होती हैं। अभी सफाई कर रहे थे, जुम्मे का टाइम होने वाला है, तो अभी हम बस इंतज़ार कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं और देख रहे हैं। ये टर्किश सेंटर था साथ ही, तो ये मस्जिद से अलहदा है। मस्जिद के तकरीबन अगर आप पीछे से मस्जिद के सामने की तरफ आपकी मस्जिद है, तो आपके लेफ़्ट पे ये होगा। तो इसके अंदर जाते थे तो ये कुछ टर्किश चीज़ें रखी हुई थी, टर्किश प्लेट्स के ऊपर स्पेशल जो ट्यूलिप्स वाले डिज़ाइन होते हैं उनके, या फूलों वाले डिज़ाइन होते हैं वो रखे हुए थे, और पम्फलेट्स वगैरह जो डिफरेंट इनके इधर प्रोग्राम्स होते हैं उनके पम्फलेट थे। और एक टर्किश एयरलाइन का प्लेन, टर्किश एयरलाइंस का प्लेन भी एक रखा हुआ था मॉडल उन्होंने। बाहर देखे तो सामने साथ ही मस्जिद, और ये कैफे मस्जिद के साथ सामने, तो ये मस्जिद
खूबसूरत कैफे, लोग आने शुरू हो गए हैं जुम्मे के लिए, तो अभी हम जो है इंतज़ार ही करें कि जुम्मे का टाइम हो, हम जो वहाँ पर फिर आगे ही जाएँ। तो हमने जाना है घर की तरफ, जा रहे हैं वापस। अच्छा जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो होगी। और बताइएगा कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बताएं किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।